नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से MSA इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए नई वीडियो लाए हैं जिसमें ओपन फ्लो यूवी फिल्टर के बारे में बताएंगे, इसकी असेंबली कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 बाउल ले लेते हैं। ये हमारे 2-in-1 बाउल है, इसमें MLT फिल्टर PP फिल्टर दोनों लग सकते हैं, एक सेडिमेंट फिल्टर, एक मिनरल कार्टेज, एक यूवी लैंप फिलिप्स, एक SS बैरल, वन बाय फोर वाटर ट्यूब, स्क्रू, MLT फिल्टर, PP फिल्टर, CTO, सी टाइप क्लैंप, एक्स टाइप क्लैंप, टू पिन कोड, AC UV चोक, 1x4 फिटिंग्स, ओपन फ्लो, पत्रा। सबसे पहले हम एल्बो में टेफ्लॉन टेप लगा लेते हैं। यहाँ पर सारी टेफ्लॉन टेप लग चुकी है। अब हम मिनरल कार्टेज में एल्बो टाइट करेंगे। एल्बो को अच्छे से टाइट करना है ताकि लीकेज ना हो। अब हम यूवी बैरल में एल्बो टाइट करेंगे। यहाँ पर यूवी बैरल में एल्बो टाइट हो चुकी है। अब हम सेडिमेंट में पुश टाइप एल्बो लगाएंगे। अब हम तीनों बाउल में एल्बो लगाएंगे। तीनों बाउल में एल्बो लग चुके हैं। अब हम तीनों के ढक्कन खोल लेते हैं और इनको सीक्वेंस में जमा लेते हैं। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। अब हम पत्रे पे टाइट हो चुके हैं। अब हम सी टाइप क्लैंप लगा लेते हैं। क्लैंप लग चुके हैं। अब हम सेडिमेंट फिल्टर लगा देते हैं। अब हम एक्स टाइप क्लैंप लगा के मिनरल कार्टेज लगा देते हैं। अब हम क्लैंप लगा के यूवी बैरल लगा देते हैं। सबसे पहले यूवी बैरल में ट्यूब इंसर्ट कर लेते हैं। आराम से इंसर्ट कीजिए। बैरल को लगा लेते हैं। अब हम CTO बाउल के आउटपुट से सेडिमेंट को इनपुट देते हैं। लॉक लगा लेते हैं। अब हम सेडिमेंट के आउटपुट से मिनरल को इनपुट देंगे। अब हमारे मिनरल के आउटपुट से यूवी बैरल को इनपुट देंगे। ये हमारा यूवी का आउटपुट है, इसमें हम स्टीम एल्बो लगा सकते हैं। बाद में इसमें ट्रांसपेरेंट पाइप 1x4 का फिट हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आउटपुट है। अब हम बाउल के कनेक्शन कर लेते हैं।
ये हमारा फर्स्ट बाउल का आउटपुट है, इसे सेकेंड बाउल के इनपुट से कनेक्ट कर रहे हैं हम। लॉक लगा देते हैं। अब हमारा सेकेंड बाउल का आउटपुट थर्ड बाउल के इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा इनपुट, ये आउटपुट, फिर ये इनपुट, फिर ये आउटपुट, फिर ये इनपुट, फिर ये आउटपुट। यहाँ से फिर सेडिमेंट, मिंडल और यूवी लैम्प। अब हम तीनों बाउल में फिल्टर लगा लेते हैं। सबसे पहले पीपी स्पून फिल्टर, उसके बाद एमएलटी, उसके बाद सीटीओ। अब हम जल्दी से बाउल लगा लेते हैं। पहले बाउल में हमने पीपी फिल्टर लगाया है, दूसरे बाउल में हम एमएलटी टाइट करेंगे। ये क्लॉकवाइज टाइट हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज खुल जाती है, इसे फुल टाइट करना है। ये हमारा एमएलटी टाइट हो चुका है, अब हम बाउल टाइट कर लेते हैं। अब हम सीटीओ फिल्टर भी टाइट कर देते हैं लास्ट वाले बाउल में। ये हमारा सिर्फ यूवी प्यूरीफायर है, इसे हम आरओ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए पंप, SMPS और मेम्ब्रेन लगानी होगी, साथ में TDS वाल भी। ये हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम यूवी बैरल का कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये दोनों टांगने के लिए हैं। यहाँ पर एसी इनपुट देना है, वायर को छील लेते हैं। अब हम टू पिन कोड के दोनों वायर को एसी चोक के वायर में लगा लेते हैं। उससे पहले हम इसे डोरी को बांध देते हैं ताकि ये खिंचाए ना। अब हम आपस में जोड़ देते हैं दोनों वायर को। अब हम वायर के पंच कर देते हैं। आप इलेक्ट्रिक टेप का यूज ना करें, वायर केप का ही यूज करें। अब हम डबल साइडेड टेप लगा देते हैं। और इसे सेंटर में फिक्स कर देते हैं। ये हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम दोनों पिन को लगा देते हैं ट्यूब के लेफ्ट राइट साइड। बहुत इजीली लग जाता है ये। अब हम रबर कैप से बंद कर देते हैं, वायर को सेट कर देते हैं। अब हम चला के देखते हैं। ये हमारा यूवी लैम्प बराबर काम कर रहा है। जब हम मशीन को ऑपरेट करेंगे तो यूवी लैम्प को भी हमें चालू करना पड़ेगा ताकि जो पानी आए यूवी ट्रीटेड आए। ये हमारा तैयार हो चुका है पूरा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।